आप सभी को राधे राधे। आज मैं आपको कार्तिक मास के महात्म्य के पांचवें अध्याय की कथा सुनाऊंगी। जो भी लोग कार्तिक मास का व्रत पूजन करते हैं वो इस कार्तिक मास महात्म्य के 35 अध्यायों की कथा अवश्य सुने। तो चलिए शुरू करते हैं कार्तिक मास महात्म्य के पांचवें अध्याय की कथा। पृथु बोले, हे मुनि, तुमने कार्तिक का महाफल वर्णन किया है, अब महीनों के स्नान की विधि और नियम कहिए। नारद जी बोले, हे राजन, तुम विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हो, तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, तथापि मैं नियमों का वर्णन करता हूँ। आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से सावधान होकर कार्तिक के व्रतों का प्रारंभ करें। पहरात्रि रहे तब प्रतिदिन उठे और जल का पात्र लेकर ग्राम से बाहर उत्तर दिशा को जाए। जनेऊ को कान पर चढ़ाकर उत्तर को मुख करके भूमि पर तृण बिछाए और सिर को कपड़े से ढक ले। मुख को बंद कर थूकना और सांस लेना बंद करके मल मूत्र का त्याग करें। जो रात्रि हो तो दक्षिण दिशा को मुख करें। जो मल मूत्र द्वारा शरीर की शुद्धि और जो मुख शुद्ध नहीं करते हैं उनके मंत्र फलदायक नहीं होते, इसीलिए दातुन करना उचित है। दातुन लाते समय वृक्ष से कहें कि हे वनस्पति, हमको आयु, बल, यश, तेज, संतान, द्रव्य, वेद पाठ की शक्ति और बुद्धि दें। इस मंत्र को पढ़कर गूलर आदि किसी दूध के वृक्ष की 12 अंगुल लंबी दातुन लाए। व्रत के दिन ऐसा ना करें। प्रतिपदा अमावस्या, नवमी, षष्ठी तिथियों और सूर्यवार तथा चंद्रमा सूर्य ग्रहण के दिन दातुन ना करें। कटेरी, संबालू, कपास, पीपल वट, अरड़ और गंधहीन वृक्षों की दातुन ना करें। तदनंतर विष्णु और शिव के मंदिर में प्रसन्नता और विधिपूर्वक पुष्प, गंध, तांबूल ले जाएं। वहां भगवान की स्तुति करके नमस्कार करें और भजन गाएं। देवालय में भजन कीर्तन करने वाले विष्णु स्वरूप होते हैं, जैसे सतयुग आदि में तप, यज्ञ, दान आदि भगवान को तुष्टि देने वाले हैं, वैसे ही कलयुग में भक्ति पूर्वक भजन कीर्तन मोक्ष देने वाले होते हैं। नारद जी बोले, शेष दतूरा, कटेर, मलिका, सेमर, आक, कनेर के फूल तथा अक्षतों से विष्णु की पूजा नहीं होती। जयकुंद, सिरस, चमेली, मालती, केतकी आदि के फूलों से सूर्य की पूजा लक्ष्मी चाहने वालों को करना उचित नहीं है। यथा योग्य विधि से ही देवताओं की पूजा करके भगवान से क्षमा प्रार्थना करें कि हे सुरेश्वर, हे देव, मैंने मंत्रहीन भक्ति की और क्रियाहीन पूजन किया है, वह परिपूर्ण होए। फिर परिदक्षिणा करके दंडवत करें, फिर क्षमा प्रार्थना करके गान करके समाप्त करें। जो कार्तिक की रात्रि में विधि पूर्वक विष्णु और शिव का पूजन करते हैं वे अपने पूर्वजों सहित निष्पाप वैकुंठ को चले जाते हैं। राधे राधे।